शालिनी। गुड इवनिंग सर बताइए शालिनी गुड इवनिंग सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे ही दिया मेरा ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद कितना पेशेंस रहना चाहिए डेट मीन्स नॉर्मली क्या होता है कि हम जॉब करने के साथ रहता है कि हाँ इतना हमने 8 आवर्स वर्क किया उसके बाद हमारी कमाई क्या आई लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग ने ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें कितने मतलब अपने स्टेटस को या अपने लेवल को कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या कितना पेशेंस या कितने टाइम तक हमको ये रुकना है कि हाँ इसके बाद हमारा प्रोग्रेस या नेटवर्क मार्केटिंग और लीड करेगी देखिए अब ये good thing about our group is देखिए अल्टीमेटली आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि आ, लोग ज्यादा लर्निंग नहीं करना चाहते हम किसी को ज्यादा लर्निंग मोड में डाल देते हैं ना तो फिर वो एंडलेस लूप हो जाता है और वो जो जोश होता है बिजनेस स्टार्ट करने का वो फ्रस्ट्रेशन में धीरे-धीरे करके कन्वर्ट हो जाता है सो so, आइडियली जैसे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया अब आप पूछ रहे हैं कि कितना पेशेंस रखें ओके तो मैं आपको बोलूंगा कि पेशेंस यहां पर जैसे लोग कहते हैं ना अभी टिके रहिए छह महीने टिके रहिए एक साल टिके रही है लेकिन अगर बिना रुपए के अगर आप टिके रहोगे तो नहीं हो पाएगा कंसिस्टेंटली रुपया कमाना स्टार्ट करना होगा और आपको पहले महीने से ही कमाना चाहिए पहले महीने से ही बहुत ज्यादा उलझिए मत चीजों के अंदर खासकर अगर मैं अपनी हमारे टीएलएफ की बात करूं पहले एक दो दिन के अंदर ही अगर आप टू सी सी करते हो या पांच हजार की बिलिंग करते हो तो आपको टीएलएफ का एक प्रॉपर एक लिंक मिल जाता है आपको एक अपना एफिलेट लिंक मतलब अपना एक यूनिक लिंक मिल जाता है आपका सिर्फ एक ही काम है उसको प्रमोट करना आप यूट्यूब टाइम लगेगा दो तीन महीने लग सकते हैं यूट्यूब में लेकिन और भी वेज है ना नाइन डिफरेंट वेज विजिटिंग कार्ड के थ्रू करो या स्टेटस के थ्रू करो अपना ज्यादा फॉलोइंग नहीं है तो दूसरों की फॉलोइंग के थ्रू करो अल्टीमेट एम बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फनल को प्रमोट करना है दैट्स इट अब अब बात यह है कि कितना पेशेंस रखें मैं बोलूंगा कि पेशेंस मत रखिए बिल्कुल भी आप थोड़ा सा इमपेश होना भी इम्पोर्टेंट है मतलब कि बहुत ज्यादा स्लो एंड स्लो एंड स्टडी डज नॉट विन द रेस नाउ आपके अंदर हंगर पहले बढ़ाइए आप अगर पूछ रहे हैं कि मैं खाना इतमान से खाऊं मैंने नहीं आराम से ठूस ठूस के खाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत रुपया है इस बिजनेस के अंदर तो आप ज्यादा पेशेंस रखी क्यों रहे हैं मैं तो बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी बस इतना पेशेंस रखो कि आपने टू सी, -सी करा एकदम से आपका फनल नहीं बनेगा एक दो दिन के अंदर फनल बन जाएगा बस इतना पेशेंस रखना है उसके बाद इसको आप पागलों की तरह प्रमोट करो बस आपको सिर्फ उस फनल को तो प्रमोट करना है और जो लोग भी उसे कर रहे हैं उनसे बस फॉलो अप करना है फॉलो करके पांच हजार की बिलिंग कराइए कर और अब तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है ना आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि आपको उनको पांच हज़ार की बिलिंग करानी है और वो दूसरे बंदा बोलता है मैं सोच के बताऊंगा अब हम हम तो ये भी बोल रहे हैं कि थर्टी डेज मनी बैक गारंटी भी है तो ज्यादा पेशेंस मत रखिए आप यस बिल्कुल शेबलेस मार्केटर की तरह मैं वही बोल रहा हूं कि हंगर की कमी है पेशेंस 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 की पेशन्स की कोई मत रखिए इज रॉन्ग वर्ड इंक्रीज योर हंगर और हंगर सुपरवाइजर मैनेजर बनने की नहीं हंगर की पहले महीने में ही बीस से तीस रुपए कमाना है ज्यादा लर्निंग के अंदर मत घुसी जा रहा क्योंकि एक होता है सीख के करो एक होता है करके सीखो करके सीखो इज मच बेटर अब आप ये मत सोचिए कि उसने अगर ये ऑब्जेक्शन दिया अमेजन पे सस्ता मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँ आप आने तो दीजिए ऑब्जेक्शन आप अपने हैंडल कर ही लेंगे जब आप फील्ड मतलब काम का बात कर रहे होंगे चलिए एक आध कस्टमर मिस भी हो गए कोई बात नहीं वो लर्निंग है तो नो से हमें डरना नहीं है और ज़रा से ज़्यादा अपने फ्रंट को प्रमोट करना है और हम तो कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बोल भी नहीं रहे अपने फ्रंट पेज पर पे। आप अलग अलग तरीके से कैनवा के थ्रू अलग अलग पोस्टर क्रिएट करके अलग अलग तरीके से उसको प्रमोट करिए बस आपको अपने लिंक को ज़रा से ज़्यादा प्रमोट करना है शेमलेस मार्केटर बन जाइए और अपनी हंगर को बढ़ाइए बस और एम बनाइए खुद का एम बनाइए फॉरवर का एम नहीं का एम है आप मैनेजर लेकिन आपका एम है मैं बीस हजार रुपये पहले महीने कमाऊं बिकॉज वरना आपके घर वाले दस बजे की मीटिंग में आपको ज्यादा देर नहीं बैठने देंगे दो तीन महीने के मेहमान है अगर रुपये नहीं कमाओगे तो रुपये कमाने चाहिए आपको क्लियर तो तेजी से काम करिए मतलब एक्सलेटर पे खासकर स्टार्टिंग में जहाँ होता है ना जैसे कहते हैं जहाँ लगेगा धन वही लगेगा मन तो स्टार्टिंग में जब धन लगा होता है क्योंकि पांच हजार की बिलिंग करी होती है या छब्बीस सत्ताईस हजार की बिलिंग करी होती है तो धन लगा होता है तो स्टार्टिंग में अच्छा मन लगता है कि चलो अब काम करेंगे क्योंकि जब नई नई बुक खरीदते हैं ना तो घर वाले भी कहते हैं कि बुक को पढ़ लो लेकिन जब ये बुक बहुत टाइम से पड़ी रहती है तो खोलने का मन नहीं करता फिर बहुत टाइम से जो पड़ी हुई है तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है स्टार्टिंग में ही आपको बिल्कुल तेजी से इसको निकाल लेना है स्पीड of implementation इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो गो पेशेंट्लेस सबसे बढ़िया मैं ये बोलूंगा आपको तेजी से काम करिए बस ओकेट okay? हाई मिस्टर प्रॉस्पेक्ट जब आपसे बात हुई थी तो आपने concern रेज किया था अपना जो कि I can understand आपके अंदर एक फियर है कि मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो क्या होगा मैंने आपको ऊपर एक प्रॉपर एनैलिस करके दिया है कि वर्स्ट से worst क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है